Hi, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the seventh part. So in this part, hum top or bottom ka jo ye metal hissa hai jo iska ye wala part hum sculpt karenge. Last part mein humne ye wood ka jo hissa tha middle ye sculpt kiya tha. So let's get started. So if you remember ke last part mein humne ye jo टॉप और बॉटम का जो मेटल पार्ट है ये हम दोनों पार्ट जो थे हमने मास्क किए थे, जिस तरह ये इधर नज़र आ रहे हैं ब्लैक में, ताकि हम इजीली स्कल्प्ट कर सकें मिडल पार्ट में. सो इनवर्ट दिस मास्क, सिंपली प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल और किसी भी एम्प्टी एरिया पे लेफ्ट क्लिक करने से आपका मास्क इन्वर्ट हो जाएगा. सो अभी ये है कि ये हिस्सा जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, हम स्कल्प्ट सिर्फ इस हिस्से पर स्कल्प्ट कर सकते हैं. सो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं स्क्रोल से. ऑब्वियसली उसको जूम कर सकते हैं, थोड़ा करीब से देख लें ताकि ये कैसे है. ऑब्वियसली हम लकीर के फ़कीर नहीं बनेंगे, हम एग्जैक्ट छापेंगे नहीं, बिल्कुल डिटो बिल्कुल के यहाँ पे एक शो है तो एग्जैक्ट इसी तरह ही हम इस इधर करेंगे, सिर्फ एक फील लेने के लिए. सो इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ही रख रहा हूँ. सो सबसे पहले जी हम बी टी फॉर ट्रिम डायनामिक एंड डी से ट्रिम डायनामिक जो है टूल वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. और उसके बाद हम ग्रेजुअली इसकी जो ये जिस तरह इसकी शार्पनेस ये ट्रिम डायनामिक से इसने स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए की हुई है, इसी तरह हम भी इसको करेंगे. मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ. सो आप अगर पेन टैब है तो पेन टैब यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ. सो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पे जेंटली ये स्ट्रोक लगाते हैं ऐसे, ठीक है जी. और ऐसे ठीक हो गया जी, और थोड़ा रोटेट करेंगे इसे और ये करेंगे तो ठीक है. और उसके बाद ये ऐसे साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो सेम स्ट्रोक ना लगे, वो इसकी जो मोनोटनी है वो ब्रेक करने के लिए, कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ना लगे कि सेम जो आपके स्ट्रोक हैं वही जा रहे हैं. और उसके बाद इसको यूं लेके आते हैं और यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी. शिफ्ट प्रेस करके इसको स्नैप करेंगे, थोड़ा जूम आउट करते हैं और उसके बाद इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है जी. तो जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से इसको ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी. इसी तरह इसका जो इनर हिस्सा है उसको भी ऐसे ही ट्रिम डायनेमिक से करेंगे, ठीक है जी. और फर्दर थोड़ी सी इसमें लुक देने के लिए हम डिफरेंट साइज यूज़ कर लेते हैं ट्रिम डायनामिक जो ब्रश है उसके, और ताकि ये एक जैसा ना लगे ये ब्रेक कर दें इसकी, ठीक है जी. और किसी किसी जगह ऐसे ये स्ट्रोक लगा देते हैं, ठीक हो गया जी. कहीं से ये ज़्यादा हुआ हुआ है, कहीं से कम हुआ हुआ है, एक अच्छी फील आ जाती है, ठीक हो गया जी. आई थिंक ये काफ़ी है, फर्स्ट जो है हम यही कर लेते हैं, साइज इसका छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे भी ऐसे ही इसको ट्रिम डायनेमिक से कर लेंगे,
ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह के स्ट्रोक मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप एग्जैक्ट मुझे फॉलो करें। मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जो मेथड है, मेथड बताने का आपको, उसके बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं ऑब्वियसली। मैं अभी ज़रा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज़रा टाइम नहीं लगाना चाह रहा इसके ऊपर। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद अगेन इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसी तरह इसका जो लोअर पार्ट है उसको भी देख लेते हैं और स्ट्रेट थोड़ा जल्दी जल्दी मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और स्नैप करता हूँ एक दफ़ा। स्नैप से ये होता है कि वो व्यू अगर बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए आपसे तो स्नैप करने से आप दोबारा उसको जो है इजीली जूम कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं। गेट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये कंप्लीट कर लेते हैं इसे जल्दी से ज़रा ऐसे। ठीक हो गया जी। और स्नैप करते हैं दोबारा और उसके बाद इसका बॉटम पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है जी। और इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा सा। से रह गया जी। ये मेक श्योर करना है कि कोई हिस्सा रह ना जाए। ठीक है जी। और थोड़ा जूम आउट करते हैं। सही है। और इधर से हम सेलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं जी लाइट बॉक्स में और इधर से जाएंगे ब्रशेस में और ब्रशेस में जाके हम यहाँ पे देखेंगे जी और ब्रशेस। ठीक है। यहाँ पे ये और ब्रश पैक है। ठीक है। इसको ओपन करेंगे और इसमें हम एक ये स्लैश लेंगे और ये यूज़ कर लेंगे। दूसरा और कर्व ले लेते हैं और लेट्स से ये स्लैश भी ले लेते हैं। ठीक है। लेट्स से इसी स्लैश से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी ये क्या। ठीक है जी। ये नहीं, हम सेलेक्ट करते हैं ये स्लैश। हाँ ये ठीक है। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ये भी कर सकते हैं और अगर हम और कर्व यूज़ करें तो इससे भी हम ये कर्व दे सकते हैं। लेट्स से साइज छोटा करते हैं काफ़ी और
दे तो सकते हैं हम ये चीज़, लेकिन आई थिंक ये स्लैश जो है ये ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो ये सिर्फ प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन और ड्रैग करना है आपने, सिंपल, ठीक है। तो ये रफली हम दे लेंगे स्लैशेस, लेट्स से कि ये दे दिए एक, ठीक है, और लेट्स से ये एक दे दी, और ये दे दिए एक, ठीक है। और अगर मैं ज़ूम आउट थोड़ा करें और इसको देखें यहाँ पे, तो लेट्स से ये दे दी, ठीक है। रैंडम बस ऐसे ही जो है वो आप स्लैशेस दे दें, थोड़ी सी यहाँ दे दी लेट्स से, थोड़ी बड़ी, लेकिन ये अंदर भी जा रही है, लेकिन इनर साइड पे नहीं जानी चाहिए। से यहाँ से दे दिया और से ये दे दिया, ठीक है जी। और आई थिंक काफ़ी है, हम बहुत ज़्यादा रश नहीं करते, इसी तरह ही हम इसको पकड़ते हैं और ये देखते हैं, ठीक हो गया जी। और इसी तरह रफली ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सही है जी, लेट्स से कि ये भी पकड़ लेते हैं और ये भी दे देते हैं ऐसे, इसी तरह ही। और रैंडम जो है ये वाली स्लैश भी दे देते हैं, ठीक है। दूसरा स्लैश ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और ले लेते हैं, आई थिंक एनफ है, काफ़ी है, ठीक है जी। और एक ये स्लैश पकड़ के हम यहाँ भी कोशिश करते हैं देने की, ठीक है जी, ताकि थोड़ी वेरिएशन में ऐड हो जाए, ठीक है जी। आई थिंक काफ़ी है, चले एक यहाँ पर रहते हैं ऐसे करके, और नेट से एक यहाँ भी दे देते हैं थोड़ा यहाँ करके, ठीक है जी। आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है। और ये मेटल है इसका, ये अगेन इसका वुड पार्ट है। सो वुड पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको मास्क कर सकते हैं ताकि हम इजीली जो है वो इसको स्कल्प कर सकें, और हम मास्क किए बगैर अगर इसको पर्सपेक्टिव ऑफ करें और इसको यहाँ पे स्नैप करें और जूम करें और लेट से इस तरह ये स्लैश यहाँ पे डालें, तो ये भी हम कर सकते हैं और ये भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आई थिंक मास्क कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेट से कंट्रोल प्रेस करते पहले इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसको इतने एरिए को मास्क कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इससे बाहर तो जाना नहीं है ऑब्वियसली। और इसको स्नैप कर लेते हैं ऐसे और उसके बाद इसको जूम इन कर लेते हैं और हम ऑल्ट प्रेस करके इसका, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके मास्क जो है वो रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी, ऐसे।
ठीक है। तो अभी और ज़रा टाइम नहीं इस पर लगाते, और ये स्लैश प्लस स्लैश जो है वो ब्रश हमने ऑलरेडी पिक किया हुआ है, और यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं। आई थिंक यहाँ पे ऐसे करके स्लैश लगाते हैं, और ये चीज़ ठीक है, दो दो बार लेट से लगा लेते हैं ये, और लेट से ये ठीक है जी, सेंटर में लगा लेते हैं एक ये, लेट से ये, और यहाँ भी इसको कंप्लीट करने के लिए एक और ये सेंटर में, उसके बाद ये लगा लेते हैं एक, ये लगा लेते हैं, और इसको वेरिएशन देने के लिए कि हर तरफ से ये जो शार्प हो रहा है ये वाली शेप वो ना बनती रहे हर तरफ, ठीक है जी, ये दे दिया। और ज़्यादा आई थिंक रशी नहीं करते इसको, ख्याल से आई थिंक यहाँ से चलते हैं ये, ठीक है जी, और ये एक देते हैं लास्ट पे, ठीक है जी, और वेरिएशन देने के लिए ये दे दी बीच में, और लेट्स से ये एक दे दी, ठीक है जी, ये आ गया। पर्सपेक्टिव ऑन करते हैं, पी प्रेस कर सकते हैं, और आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं, दोनों से पर्सपेक्टिव ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है जी। कंट्रोल ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस से तो आपका जो है वो मास्क ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक एनफ है जी, ये काफ़ी है इस पार्ट के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर जो है इसकी हमारी रोप रह गई है, ये बोल्ट रह गया है, और ये वाला पार्ट जो रह गया है ये यहाँ देखें तो ये भी वुड है, और ये जो पार्ट है ये मेटल है। तो ये पार्ट जो है हम ये फर्दर जो है वो रह गया वो स्कल्प्ट करेंगे। सो इस पार्ट में इतना ही है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।